हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फेसबुक से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगी और आपको पता चलेंगी तो आपको काफ़ी हैरानी भी होगी। तो फेसबुक हम सभी जानते हैं, फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो चलिए जानते हैं फेसबुक के सारे सरप्राइजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात है वो मार्क जुकरबर्ग से रिलेटेड है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर है और वो अपनी सैलरी के तौर पर फेसबुक से सिर्फ $1 लेते हैं पर ईयर। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है। और दोस्तों, आपने देखा होगा फेसबुक का रंग नीला है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो कलर ब्लाइंड है, मतलब कि उन्हें हरे और लाल रंग में डिफरेंस पता ही नहीं चलता। सो इस वजह से उन्होंने ब्लू कलर को सेलेक्ट किया। और दोस्तों, जो अगली बात है वो ये है कि आपने देखा होगा फेसबुक पे आपको हर किसी को ब्लॉक करने की सुविधा प्रोवाइड की गई है, बट अगर आप चाहें तो आप मार्क जुकरबर्ग को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो अगर आप उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एरर दिखाई देगा। और दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आप अपने फ़ोन में फेसबुक लॉगिन कर रखे हो और आप फ़ोन में जो भी कुछ करते हो वो हर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास होती है। तो जो अगली बात है वो भी बड़ी अजीब है। फेसबुक पर जो लाइक का बटन होता है हर पोस्ट पे या फोटो पे, उसको पहले मार्क जुकरबर्ग ने ऑसम रखने का प्लान किया था, बट उनकी टीम ने उनकी एक नहीं सुनी और उसके बाद उसको लाइक का बटन ही बनाया गया। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, फेसबुक पर रोजाना लगभग 6 लाख के आसपास हैकर्स अटैक करते हैं, जिससे फेसबुक को सेफ रहना पड़ता है। दोस्तों, व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन को फेसबुक ने जॉब देने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप जैसे बड़े ब्रांड को बना डाला, जिसे बाद में फेसबुक ने काफ़ी बड़ी रकम देके खरीदा था। दोस्तों, फेसबुक प्रोफाइल पर मार्क जुकरबर्ग के पेज तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। अगर आप फेसबुक के URL के आगे 4 लिख देंगे, मतलब facebook.com/4, तो आपका ब्राउजर सीधे मार्क जुकरबर्ग के पेज तक ले जाएगा। ये एक शॉर्टकट है। दोस्तों, क्या आपको पता है आपने जिस डाटा को फेसबुक पर टाइप किया, आपने पोस्ट करने के लिए या मैसेजिंग करने के लिए जो भी टाइप किया और उसे इरेज कर दिया, मतलब कि ना सेंड किया ना पोस्ट किया, तब भी वो डाटा फेसबुक के पास सेव हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर वो उसे फिर से देख सकता है। दोस्तों, अगर आपके पास टैलेंट है और आपको फेसबुक में कोई फॉल्ट नज़र आता है या आप फेसबुक को हैक कर सकते हो, तो फेसबुक आपको इनाम के तौर पर $500 देगी। तो जो अगला फैक्ट है वो एक इंफॉर्मेशन है। अभी हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक फेसबुक पर 30 मिलियन से ज़्यादा लोग मरे हुए हैं, और अगर किसी यूज़र की मृत्यु हो जाती है तो उसका अकाउंट यूं ही नहीं चलता रहता। आपकी नज़र में अगर आपकी कोई जान पहचान के व्यक्ति की डेथ होती है तो आप उस अकाउंट को फेसबुक को रिपोर्ट करके एक स्मारक यानी मेमोरियलाइज्ड अकाउंट का रूप दिलवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसका अकाउंट ऐसे ही चलता रहता है, फेसबुक ने इसके लिए व्यवस्था की है। तो जो अगली बात है वो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हम इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, फेसबुक पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनते हैं। इस मामले में हमारा इंडिया टॉप पर है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक आध तो आपने भी बनाया होगा। सो ये काफ़ी गर्व करने वाली बात है मेरे ख्याल से। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना है बताना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।